close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. रोड की बाईं तरफ आप देख सकते हैं SSB का सीमांत मुख्यालय, और आज हम आपको लेकर जाएंगे बिनसर महादेव टेम्पल, जो कि रानीखेत से कुछ 8.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और सोनी नाम के गांव के अंदर आता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेडलॉग वॉयज। दोस्तों आज हम आपको लेकर के जाएंगे बिनसर महादेव टेम्पल, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे रानीखेत का द मोस्ट पॉपुलर गोल्फ ग्राउंड। तो दोस्तों हमने अपनी जर्नी अपने होटल से स्टार्ट कर दी है, और हमारा जो होटल है वो गनिया त्योली में है, जो रानीखेत से कुछ 4 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो इसलिए यहाँ से जो स्वर्गाश्रम बिनसर महादेव है वो हमें कुछ 14 से 15 किलोमीटर के बीच पड़ेगा। और हमारी इस जर्नी में रास्ते में हमें मिलेंगे दो गांव, जिनमें से पहला गांव है ताड़ीखेत और दूसरा फिर आएगा सोनी, उसके बाद हम जाएंगे बिनसर महादेव। आप देख सकते हैं खूबसूरत चीड़ का जंगल है, चीड़ के खूबसूरत पेड़ हैं, पर इन पेड़ों की स्टेम में आप देख सकते हैं कुछ कालापन आपको देखने को मिलेगा। ये कालापन ये इस वजह से है क्योंकि इन जंगलों में गर्मियों में आग लग जाती है। अब आग लगने के कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ होती जिसे पिरूल कहते हैं, गर्मियों में ये जंगलों में बिखर जाते हैं, ये हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं। इनमें अगर थोड़ी सी भी आग लगी तो डायरेक्टली पूरे जंगल में आग फैल जाती है। अब विडंबना ये है, जो ये आग फैलती है इससे इनकी स्टेम तो कमज़ोर होती ही है, लेकिन जब भी तूफान आते हैं तो ये पेड़ झुकते हैं, एट लास्ट ये गिर जाते हैं। तो इसलिए हमारे जंगल धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, और हमें इन्हें रोकने के कुछ ना कुछ उपाय सोचने चाहिए। ये सारा एरिया ताड़ीखेत का ही है, ये एक गाँव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी घर हैं लोकल हिट्स के, छोटी मोटी दुकानें हैं, स्कूल्स हैं। तो हम पहुंच गए हैं सोनी गांव। अच्छा, इंग्लिश में ये सोनी था, हिंदी में ये सोनी है, ठीक है, हम इसे सोनी बोलेंगे। हम सोनी गांव पहुंच गए। अब यहाँ से सुनने में आया है कि एक डाइवर्जन है जो हमें लेकर के जाएगा बिनसर महादेव, तो देखते हैं कोई पुल है शायद या कोई डाइवर्जन है। एक कच्ची सड़क है लोग बता रहे थे, लेट्स सी। पहाड़ों में अक्सर अगर आपको ड्राइविंग करनी है तो उसका एक फंडा है, देखिए रोड इतनी नैरो है कि एक टाइम पर दो गाड़ियां अच्छे से निकल नहीं सकती हैं इस रोड में, तो आपको अपनी साइड लेके चलनी है, और जो बेंड आएंगे जो भी मोड़ आएंगे उनमें हॉर्न बजा के एंड स्पीड थोड़ी सी हल्की करके चलना है, बस यही फंडा है। अपनी लेन को, लेन तो यहाँ पर है नहीं, बट अपनी साइड को नहीं छोड़ना है। और यहाँ से हमें ये स्ट्रेट वाला रूट लेना है देवलीखेत और सिलोर को जो जा रहा है। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go.
महादेव का। अब ये प्यारी सी रोड है जो बिनसर महादेव मंदिर की हो जा रही है। वाओ बहुत खूबसूरत है, सच में बहुत खूबसूरत है। ये जो ग्रासलैंड यहाँ पे दिख रहे हैं ना, पिक्चर परफेक्ट करेक्ट। तो हम कर रहे हैं बिनसर महादेव मंदिर के गेट से एंट्री, और यहाँ से एक झलक देखने को मिल रही है स्वर्गाश्रम बिनसर महादेव की। ये मंदिर एकदम खूबसूरत लोकेशन में स्थापित है, और इसका निर्माण कुंज नदी के तट पर किया गया था, 10वीं सदी कह रहा हूँ। और ये मंदिर डेडिकेटेड है शिव जी को। तो इस मंदिर के पीछे काफ़ी अलग अलग तरह की कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। कौन सी सच की कहानी है ये अभी तक कोई नहीं जान पाया, बट जनश्रुतियाँ हैं, लोगों की कही गई बातें हैं। तो उन कही गई बातों में एक बात ये प्रचलित है कि कई साल पहले यहाँ पे मनिहारियों का कुछ गांव हुआ करता था पड़ोस में। उस गांव में किसी मनिहारी की दुधारू गाय हुआ करती थी, जिसे वो जंगल चराने के लिए भेजा करता था। तो जब भी वो गाय वापस आती थी उसके घर पे, तो उसमें उसका दूध निकला हुआ होता था, तो उसे दूध नहीं मिल पाता था। तो एक दिन वो पीछा करके गया जंगल, तो उसने सोचा कि कौन इसका दूध निकालता है। तो उसने देखा कि वो गाय एक शिला पे खड़े होके दूध दे रही है, और वो शिला में दूध पड़ते ही गायब हो जा रहा है। दोस्तों मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करता हूँ, उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ इस भव्य मंदिर को। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ ये बनाया गया है, कितने ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, और कितना खूबसूरत ये मंदिर यहाँ से लग रहा है। हाँ, तो जब मनिहारी ने दूध को शिला में गिरते देखा तो उसे गुस्सा आया, और उसने अपनी गाय को धकेला, और उसने अपनी कुल्हाड़ी के पिछले छोर से उस शिला पे चोट मारी। वो शिला टूट गई और उससे रक्त की धार बहने लगी। तो जब ये हुआ तो उस रात स्वप्न में उसे एक बाबा आए, तो बाबा ने उन सारे मनिहारियों को उस जगह को छोड़ने को बोल दिया, और फिर वो सब रामनगर चले गए। तो दोस्तों अभी हम मंदिर पहुंच गए हैं, अभी हम अंदर जाएंगे, बट इस गेट पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, तो इसलिए अभी हम फोटोग्राफी नहीं कर पाएंगे, आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा पाएंगे, बट हम दर्शन करने के बाद लौटते वक्त आपको बाकी की स्टोरी बताएंगे। अभी अभी बिनसर महादेव मंदिर से निकलते हुए वापस हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी स्टार्ट हो गई हैं, और इतना खूबसूरत ये है, ये इतनी खूबसूरत जगह पे था, और इतनी शांति थी इस मंदिर में, इतनी शांति थी हम आपको बता नहीं सकते। आप यहाँ आएंगे तो एक अलग वाइब है इस मंदिर की। हाँ जी, तो मैं स्टोरी को कंटिन्यू करूँगा। तो फिर किसी भक्त के सपने में एक और बाबा आए, और बाबा ने बोला कि कुंज नदी के तट पे किसी झाड़ी में एक शिवलिंग है, उसे वहाँ पे स्थापित कर दो। तो उन्होंने वहाँ पे उसे स्थापित कर दिया। तो उसके बाद से फिर ये मंदिर का निर्माण कराया गया, और 1959 में नागा बाबा मोहनगिरी महाराज ने इनका इस मंदिर का रिनोवेशन किया, और कहा जाता है कि 1970 से यहाँ पे अखंड ज्योति जल रही है। बिनसर महादेव के बाद हम चल पड़े द मोस्ट फेमस द मोस्ट पॉपुलर गोल्फ ग्राउंड। अब यहाँ से गोल्फ ग्राउंड जाने के लिए हमें सबसे पहले रानीखेत जाना पड़ेगा, मतलब कुछ 18 किलोमीटर्स दूर, और फिर वहाँ से मछखाली वाली रोड हमें पकड़नी पड़ेगी, उस रूट पे हमें गोल्फ ग्राउंड मिलेगा। तो आपको सीधा ले चलते हैं गोल्फ ग्राउंड की ओर। तो आप देख सकते हैं गोल्फ ग्राउंड, इस रोड की दोनों तरफ गोल्फ ग्राउंड है। देखते हैं हमें एंट्री मिल पाती है कि नहीं। वैसे तो यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है टूरिस्ट के लिए, पर आपको दिखाने के लिए हम किसी तरह से अंदर चले गए। ये गोल्फ ग्राउंड एशिया का हाईएस्ट गोल्फ ग्राउंड है। इसे 1920 में बनाया गया था, और अभी तक ये एकदम बहुत खूबसूरती के साथ मेंटेन्ड है, आप देख सकते हैं। ये है रानीखेत का फेमस गोल्फ ग्राउंड, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये। जैसा कि रानीखेत टोटली कैंटोनमेंट एरिया है, यहाँ पर को हमारी कुमाऊं रेजिमेंट एंड नागा रेजिमेंट है, तो कुमाऊं एंड नागा रेजिमेंट के जो भी ऑफिसर्स या जो भी कैडेट्स रहते हैं वो यहाँ पर को गोल्फ खेलने आते हैं, और इस गोल्फ ग्राउंड में 9 होल्स हैं। फिर हमने इस प्यारी सी लोकेशन में कुछ सेल्फीज ली। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।